शिक्षा पर प्रणाली थी कि आप पूरे साल पढ़ लो, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 चॉइस में लो और उससे आप अपनी परीक्षा दे दो। तो ये एक तरीका होता था पुराने समय में। फिर बीच में एक सेमेस्टर का समय आया कि सेमेस्टर से हम परीक्षा कराएंगे, लेकिन आपने देखा कि सेमेस्टर में भी बहुत सारी विसंगति आई। सेमेस्टर साल में 2 होना चाहिए, कई में एक एक सेमेस्टर हो गया, तो 5 साल का पाठ्यक्रम 7-7 साल में भी पूरा नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमने कहा कि परीक्षा रिफॉर्म कमेटी विद्वानों की लेकर के बना रहा है। जैसे तीसरी तरीके की परीक्षा भी ओपन बुक प्रणाली से हुई, इस ओपन बुक प्रणाली में विश्व में कई जगह इसको कराते हैं। इसके क्वेश्चन भी ऐसे कि ओपन बुक के बावजूद भी पूरी किताब पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन ओपन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं कि आप पूरा चैप्टर टीप दो और उससे आप पास हो जाओगे, किताब पढ़ना पड़ेगी पूरी। तो आने वाले समय में हम परीक्षा की ओर कौन सा तरीका लाएं ताकि ये कोरोना के कारण से भी वो गुणवत्ता भी बनी रहे और परीक्षा में भी सफल हो जाए। तो पूरे देश में और पूरे विश्व के परिदृश्य में परीक्षा के बहुत सारे प्रकार हैं, उस प्रकार पर चलने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारे शंकराचार्य पद्धति से वैदिक शिक्षा की पढ़ाई का सिस्टम बना हुआ है, वो कोई डिग्री नहीं देते, शास्त्र की कोई मान्यता नहीं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका है। उज्जैन में त्रिपुरा सुंदरी में एक संस्थान में वो वैदिक पढ़ाई कराते हैं, उनके पास 100 में से 100 नंबर आएंगे तो ही पास, 100 में से 99 आए तो भी फेल। अब ये एक उनकी अपनी पद्धति है परीक्षा की कि वो हर एक क्लास में जितने उनके विद्यार्थी है, विद्यार्थी 5 सब्जेक्ट में भी तो 100 में से 100 ही मार्क्स लाना चाहिए, ये उनकी एक पद्धति है। तो ऐसी कौन कौन सी और परीक्षा पद्धति है जिसकी तरफ हमको ध्यान जाना चाहिए, हमारी परीक्षा रिफॉर्म कमेटी उस सब पे भी काम करने वाली है।